शिक्षण संस्थान की ओर से आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है एक पद न उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर देना है। पंडिता सरस्वती इति उपाधि व्याम का विभूषिता, यानी पंडिता सरस्वती इति उपाधियों से किसको विभूषित किया गया? रमाबाई को। अगला प्रश्न जो है वह है रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, यानी रमाबाई ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की? स्व मातु, यानी रमाबाई ने अपनी माँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। तीसरा प्रश्न जो है वह है रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत, यानी रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? तो उत्तर है विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दास के साथ में उन्होंने विवाह किया। चौथा प्रश्न है कासाम शिक्षा ये रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, यानी किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया? तो रमाबाई ने जो है स्त्री शिक्षा के लिए, यानी स्त्री नाम। अगला प्रश्न जो है वह है रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत, यानी रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? इंग्लैंड देश। दूसरा प्रश्न जो है वह है रेखांकित पदानि आदृतीय प्रश्न निर्माणम कृतम, यानी जो ये जिस पद के नीचे अंडरलाइन की गई है उसको आधार मानकर इसका प्रश्न निर्माण करना है। पहला प्रश्न जो है वह है रमा यः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत, यानी रमाबाई के पिताजी हैं वो समाज की प्रताड़ना को सहा, तो रमाया के जगह हो जाएगा कस्या। अगला है पत्युः मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, तो पत्यु की जगह हो जाएगा कस्य मरणांतरम, यानी किसके मरने के पश्चात। अगला प्रश्न जो है वह है रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत, यानी मुंबई नगर है तो मुंबई नगर की जगह हो जाएगा कुत्र, यानी रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थाप्यत, यानी रमाबाई ने कहाँ पर शारदा सदन की स्थापना की। फिर है चौथा प्रश्न जो है वह है 1922 तमे खिताब दे रमाबाई महोदया निर्धनम अभवत, यानी 1922 ईस्वी में रमाबाई का निर्धन हो गया, तो रमाबाई महोदय की जगह हो जाएगा कस्या, यानी 1922 में किसका निधन हुआ। अंतिम प्रश्न है स्त्रीय शिक्षा लभन्ते स्म, यानी स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी, यानी स्त्रीय तो हो जाएगा का, बहुवचन है का शिक्षाम लभन्ते स्म। अब अगला तीसरा प्रश्न जो है वो हमारा है प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत, यानी आपके सामने ये चार प्रश्न हैं, इन चारों प्रश्नों के जो हैं हम पाठ के आधार पर इसके उत्तर देंगे। पहला प्रश्न जो है वह है रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, यानी रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया? तो इसका उत्तर होगा रमाबाई स्त्री नाम कृते वेदादि नाम शास्त्र नाम शिक्षाए आंदोलन प्रारब्धवती, यानी रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेद और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। पूरा पाठ उसी के ऊपर आधारित है। अगला जो है वो है निहि सहायः स्त्रिय आश्रमे किम किम लभन्ते स्म, यानी निसाय स्त्रियां आश्रम में क्या क्या लाभ प्राप्त करती थी? तो इसका उत्तर है निसाय स्त्रियां आश्रम में मुद्रण टंकन काष्ठ कला आदि नांच
लबनते स्म, यानी निसहाय बेसहारा स्त्रियां आश्रम में मुद्रण टंकन यानी छपाई का और टाइप का और लकड़ी की लकड़ी पर कला आदि जो हैं वो उस पर लाभ प्राप्त करती थी। तीसरा है, कस्मिन विषय रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति, यानी किस विषय में रमाबाई महोदय का योगदान है। तो कस्मिन भी जगह हो जाएगा समाज सेवाया, यानी उसका उत्तर होगा समाज सेवाया अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति, यानी समाज सेवा का अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी रमाबाई का योगदान है। प्रश्न, केन रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, उसका उत्तर है स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। चौथा प्रश्न है, अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसार पद परिचय लिखत, यानी जो ये पद दे रखे हैं इनका परिचय करवाना है। पहला है उदाहरण दे रखा हमारे पास, देखो इसमें पद मूल शब्द लिंग विभक्ति और वचन ये सारे बताने हैं। पहला है वेदा वेदानाम, इसमें मूल शब्द वेद हैं, पुल्लिंग हैं, षष्ठी विभक्ति हैं और बहुवचन हैं। फिर है पिता, पितृशब्द पुल्लिंग और इसमें विभक्ति जो है वो प्रथमा और वचन जो है वो एक वचन है। फिर तीसरा जो है वह है शिक्षा यही, इसमें शिक्षा यही में मूल शब्द जो है वो शिक्षा, लिंग इसमें है स्त्रीलिंग, विभक्ति इसमें चतुर्थी और वचन है एक वचन। फिर है कन्या, कन्या शब्द इसमें लिंग है जो वो है स्त्रीलिंग, विभक्ति जो है वो प्रथमा और वचन जो है वो बहुवचन। फिर है नारी नाम, नारी शब्द स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन। उसके बाद में अंतिम जो है वो है मनोरमया, मनोरमा शब्द स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति का एक वचन। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न जो है वह है अधोलिखिता नाम धातु नाम लकार पुरुष वचन ज लिखत। पहले जो था वो पदों का परिचय था, अब जो है क्रिया के बारे में बताना है, इसमें कौन सा लकार है, पुरुष कौन सा है, वचन कौन सा है। तो यह था, यानी जैसे आसित, आसित में अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन, यानी अस धातु है और भूतकाल है और प्रथम पुरुष का एक वचन है। अगला जो है वो है कुर्वंती, इसमें क्री धातु लट लकार यानी वर्तमान काल प्रथम पुरुष का बहुवचन। फिर तीसरा जो है वो है आगच्छत, यानी गमगच्छ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। फिर है अगला जो है चौथा वह है निवसंती, निवस धातु लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन, नी जो है वो है उपसर्ग है। फिर पांचवा जो है वह है गमिष्यति, गमिष्यति में गमगच्छ धातु लिरिट लकार यानी भविष्यत काल प्रथम पुरुष का एक वचन। फिर अंतिम जो है वह है अकरोत, इसमें क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। इस प्रकार ये पांचवा प्रश्न भी पूरा हुआ। अगला प्रश्न जो है वो है छठा प्रश्न, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसार लिखत, यानी पाठ की जो ये पंक्तियाँ दे रखी हैं इसको हमें व्यवस्थित करना है कि कौन सी पंक्ति सबसे पहले आएगी और कौन सी पंक्ति बाद में आएगी। तो छह पंक्तियाँ दे रखी हैं उसको हम घटना क्रमानुसार लिखेंगे। अभी आपके सामने स्क्रीन पर
पूरी व्यवस्थित घटना क्रमानुसार आ जाएगा। हमारा अंतिम प्रश्न था और इसको कॉपी में व्यवस्थित काम करना। धन्यवाद।